सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नवप्रवेशी छात्र छात्राएं लगातार अपना एडमिशन ले ही रहे हैं और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जा रही है वैसे वैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात होना बहुत ज़रूरी है। नंबर आपका कम है, हम बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं। दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दरिया नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा जो पत्थर से टकरा कर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हम बहुत अच्छा चाहते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन हमारा नंबर अगर कम है तो हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करें तो कॉम्बिनेशंस तो बहुत हैं, कम से कम 100 कॉम्बिनेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मेन कैंपस की अभी कट ऑफ चल रही है, उसका एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे 100 कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ ज़रूरी ये है जानना कि जब ऑल कैटेगरी की अभी कट ऑफ आ रही है तो कॉम्बिनेशन रिजर्व भी रहते हैं। जैसे ऑल कैटेगरी में जो कॉम्बिनेशन है 40% कॉम्बिनेशन ऑल कैटेगरी के लिए रहते हैं, 10% EWS के लिए रहते हैं, 27% OBC कैटेगरी के लिए रहते हैं और इसके साथ ही SC और ST का भी ऐसा पूरा मामला रहता है। लेकिन ज़रूरी हमारे लिए ये रहता है कि लगातार जब भी ऑल कैटेगरी का एडमिशन हो रहा है, ऑल कैटेगरी की कट ऑफ 618 गई है, जिनकी पहले राउंड में काउंसलिंग हुई थी उनको तो टॉप कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन अब ऑल कैटेगरी के कॉम्बिनेशन ख़त्म हो रहे हैं। ऑल कैटेगरी में जो OBC EWS और SC कैटेगरी के छात्र अपनी काउंसलिंग को करवा रहे हैं वो भी, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑल कैटेगरी में एडमिशन अपना करवा रहे हैं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, आप अपने उसका यूज ऑल कैटेगरी में भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन अगर आपको सेलेक्टिव, अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, अगर आप अपना EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे और आप ऑल कैटेगरी में अपना ले रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन का फ़ायदा आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब OBC की कट ऑफ आएगी, जब EWS की कट ऑफ आएगी तो वहाँ से कॉम्बिनेशन रिजर्व रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी कास्ट के जब आपके ही कैटेगरी के छात्र ऑल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो उनको वहाँ से कॉम्बिनेशन अपना मिल जाएगा, उनके पास ये सुविधा है, वो चाहते तो इसमें भी वेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ ऊपर जा रही है, ऊपर वालों को अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, नीचे वालों को कम अच्छा मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि हम कॉम्बिनेशन के चक्कर में मेन कैंपस छोड़ देते हैं। मान लीजिए जिनका नंबर कम होगा उनको बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, जैसे बहुत लोग हैं जियोग्राफी चाहते हैं, बिना जियोग्राफी के लगता है कि IAS बन ही नहीं पाएंगे वो। जिनको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन को बेस्ट एंड बेस्ट चाहिए, नंबर लेकर आए हैं 500, उनको तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन, ऐसा तो संभव है नहीं। मान लीजिए अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज रहना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट अगर आपके मनपसंद के GS के पेपर के मिल रहे हैं तो आप तीसरा सब्जेक्ट ऐसा ले सकते हैं जिसमें लिटरेचर हो, आप तीसरा सब्जेक्ट फिलॉसफी ले सकते हैं, GS का फोर्थ पेपर एथिक्स का आता है उसमें भी आप फिलॉसफी में पढ़ेंगे। सब सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बेहतर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब होता है और कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, या आप अच्छा सब्जेक्ट पा के अमृत पी लेंगे और आजीवन अमर हो जाएंगे और IAS बनने का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जा रही है वैसे वैसे वहाँ की कॉम्बिनेशन ख़त्म हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन के चक्कर में मेन कैंपस को मत ड्रॉप करिएगा, मेन कैंपस आपकी पहली प्रियोरिटी रहने चाहिए। आप दो विषय अच्छा पा जाइए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, एंशियंट मॉडर्न मिडवल में आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सारा GS का पेपर है। इसके साथ साथ फिलॉसफी एथिक्स का चौथा पेपर फिलॉसफी का रहता है UPSC के मेंस में। इसके साथ साथ जो आजकल के ऐसे आ रहे हैं वो पूरा फिलॉसफिकल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे का पेपर उठा के देखिए आप, 8 की 8 ऐसे पूरा फिलॉसफी का आ रहा है। सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम हिंदी लिटरेचर की बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो एक लिटरेचर अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि लिटरेचर का बहुत तगड़ा स्कोप है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश लिटरेचर आप ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी ये मिले, मॉडर्न मिले, तभी हम कॉम्बिनेशन पर भागें। तो कॉम्बिनेशन के चक्कर का बहुत ज़्यादा आप लोचा मत पालिए। अगर आपको दो विषय अच्छे मिल रहे हैं तो एक विषय आप स्कोरिंग ले सकते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। आप एजुकेशन भी पढ़ सकते हैं, आप फिलॉसफी भी ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आप संस्कृत उसके साथ ज़रूर ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का चक्कर मत पालिए, अच्छे से पहले एडमिशन लीजिए। दो विषय अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं तो तीसरे में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन कैंपस से आप कंप्रोमाइज़ ना करिएगा। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशंस की जो लिस्ट है मैं उसको अलग से पोस्ट कर दूंगा और उसको अगला वीडियो आप देख लीजिएगा। यही सूचना थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।